चंद्रपुर के व्यापारी रोहित बोधरा के साथ हाल ही में पुलिस द्वारा की गई अमानवीय मारहान से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले संबंध में राज्य के वित्त नियोजन वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने रोहित बोधरा के घर भेंट दी। इस दौरान उसके माता पिता से मिलकर उसके परिवार को पालक मंत्री ने सांत्वना दी। पश्चात पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने गुलवाड़े हॉस्पिटल में जाकर पीड़ित रोहित बोधरा से मिलकर इस मामले संबंध में पूछताछ की। पीड़ित रोहित बोधरा ने इस वक्त अपने हालात बयां किए। पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने इस मामले संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान से बातचीत की। पश्चात पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार को इस संबंध में निवेदन सौंपा गया। इस समय जिला पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान, सदानंद खत्री, गोविंद सारडा, रामजीवन परमार, श्रीचंद हासानी, सुहास शिंदलवार, संतोष चिल्लरवार, योगेश भंडारी, सुहास चिंतावार, दिवाकर बनकर आदि की मौजूदगी रही। पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार ने व्यापारी रोहित बोधरा पर हुए अत्याचार पर खेद जताते हुए कहा कि रोहित बोधरा को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया है, पुलिस के हाथों वाकई गलत कृत्य किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, दो दिन के बाद अहवाल आने पश्चात इस पर उचित कार्रवाई होगी। ये रोहित रमेश बोथरा के साथ जो अमानुष मारहान की गई उस विषय में मैंने अभी भेंट दी और सकृत दर्शनी ये देखा गया कि उसको बहुत मारा गया है, पुलिस के हाथों से बहुत गलत काम इस विषय में हुआ ऐसा सकृत दर्शनी लगता है। चौकसी के आदेश दिए हैं, दो दिन के बाद उसका अहवाल आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी।